नर्डोन आज मैं आपके लेके आई हूँ आज जो सेवन्थ अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है आईबीपीएस पीओ का उसका रिव्यू जैसा कि आपने रिव्यूज़ देख लिए होंगे और आपको उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको यहाँ पे रिव्यूज़ लेके आई हूँ तो देखिए आज जो सेवन्थ अक्टूबर को आई बी पी का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो लेवल था वो मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल का था सेकेंड उसमें कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस देखे गए इंग्लिश सेक्शन के अंदर तो वो आज आपसे डिस्कस करते हैं इंग्लिश के अंदर एज़ यूज़ुअल आपसे टेन मार्क्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें अगर आप देखेंगे तो थ्री मार्क्स वॉकैप्स की तरफ से आते हैं टू एंटोनिम वन सिनोनिम या टू सिनोनिम वन एंटोनिम आपसे पूछा गया है तो आप रीडिंग कॉम्पिनेशन में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सबसे पहले उन एंटोलीम्स सिनोनिम्स को वर्कैप्स को करेंगे सेकेंड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं एरर डिटेक्शन में न्यू पार्ट से न्यू एक मेथड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेकिन अगर आप पैनिक नहीं होंगे तो यूजुअल मेथड ही है आपको डिफरेंट पार्ट्स ए बी सी डी दे रखे हैं आपसे पूछा गया कि किस पार्ट में एरर है सपोज ई e पार्ट में अगर उसके एरर है तो आपको ऑप्शंस में से ऐसी एक सिक्वेंस देखनी है आपको ऑप्शंस में ए बी सी डी डी बी ई ऐसे सिक्वेंस मिलेगी आपको ऐसे सीक्वेंस ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसमें ई e पार्ट नहीं होगा सारे इस बार आपको पहले डिटेक्ट एरर को ही करना है जिस पार्ट में एरर है उसे डिटेक्ट करना है एंड उसके बाद ऑप्शंस में उन पार्ट्स आपको करेक्ट वाले पार्ट गिवन है तो आपको जिस जिसमें आपका एरर वाला ऑप्शन नहीं होगा उसको टिक करना है सपोज़ अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो वहाँ पे नन नन ऑफ दिस का ऑप्शन है नो no एरर तो आप नो no एरर में टिक कर लेंगे तो मेथड सेम ही है बस आपको ऑप्शंस को इस बार पहले हम करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन में टिक करते थे इस बार हम करेक्ट ऑप्शंस में टिक करेंगे थर्ड है आपका फेज फेस रिप्लेसमेंट सेकंड थिंग जो पेपर्स आ तीन शिफ्ट में पेपर हुए तीनों का जो पैटर्न था क्वांट एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग के पेपर में चेंजेस हुए हैं इंग्लिश के पेपर में फ्रेज रिप्लेसमेंट में देखा गया कि फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था जो कि यूजुअल है एंड थर्ड शिफ्ट के अंदर ऑड वन आउट आया था फ्रेज रिप्लेसमेंट नहीं आया था लेकिन इतना फिक्स है कि आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दोनों ही ओल्ड बेस्ड है ओल्ड पैटर्न बेस्ड है एरर डिटेक्शन से ओनली ऑप्शन में आपको चेंजेस दिखेंगे कि आपको इस बार करेक्ट ऑप्शन को ही आपका आंसर मार्क करना है ठीक है इस तरह से आप नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है रीजनिंग का रीजनिंग के अंदर आपसे तीन पज़ल पूछी जा रही हैं जो पजल्स का लेवल है मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का है आपसे लीनियर पज़ल पूछी गई है जिसमें एज को मिक्स किया गया सर्कुलर पजल पूछी गई है एंड मंडे टू संडे वाले शेड्यूलिंग की पजल पूछी गई है प्लस एक्स्ट्रा वेरिएबल्स फिफ्टीन मार्क्स की आपसे पजल्स पूछी गई हैं इन इनक्वलिटी आई है डायरेक्ट बेस इनइवलिटी ईजी है कोडिंग एंड रिकोडिंग अगेन सिफ्ट फर्स्ट एंड थर्ड में देखा गया कि कोड आपसे सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे गए एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग सेकेंड शिफ्ट में कोडिंग एंड डिकोडिंग के तो पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है सिफ्ट्स के अकॉर्डिंग लेकिन देखा गया कि कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड सिलॉक्स को आपस में चेंज किया गया जो कि एक ईजी पार्ट है नेक्स्ट मिक्स क्वेश्चन आपसे पीछे पूछे गए हैं डायरेक्शन के ब्लड रिलेशन के रैंकिंग के एक्सेट्रा तो देखिए आपको क्या अप्रोच करना है अगर आप रीजनिंग में ज़्यादा पजल्स में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहले आप फाइव फाइव एंड टेन ट्वेंटी मार्क्स के आपके एक्स्ट्रा मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले आप इन्हें अटेम्प्ट करेंगे इन्हें अटैम्प्ट करने के बाद आपके पास जब टाइम है तो रिमेनिंग टाइम में आप एक ऐसी पज़ल उठाइए चाहे वो शेड्यूलिंग की हो सर्कुलर की हो लीनियर की हो जो मोस्ट इजी आपको देखने में लगे जिसकी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं सेकंड थिंग अगर आपने पज़ल ले ली है तो जितनी आप उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है एक साथ उन्हें ड्रॉ करिए क्योंकि इतना कन्फर्म है कि पज़ल का लेवल मॉडरेट से डिफ़िकल्ट है एक बार में पज़ल नहीं होने वाली है तो आप उसकी पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलिए लेकिन फ्रेंड्स अगेन रिकमेंड करती हूँ सबसे पहले आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन्हें करिए देन लास्ट में आपको पजल्स अटैम्प्ट करनी है अगेन क्वांट सेक्शन की बात करें अगर तो क्वांट का सेक्शन जो है आपसे नंबर सीरीज पूछी गई लेकिन इसमें भी चेंजेस किए गए दो शिफ्ट में आपसे नंबर सीरीज़ पूछी गई एंड एक सिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना नंबर सीरीज से हमेशा इजी रहता है तो जिस सिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग हो गया तो नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं फाइव मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन पूछा गया जो कि अप्रॉक्स बेस्ड है इजी था इजी टू मॉडरेट लेवल का फाइव मार्क्स के अगेन आपसे डी आई पूछी गई जो कि कैलकुलेटिव थी उसमें टैबुलर एंड लाइन ग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए एंड टेबुलर में आपको रेशोज़ गिवन थे लाइक मेल एंड फीमेल का रेशियो इस टाइप से आपको रेशोज गिवन थे लास्ट वन आपसे मिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेवन टू ट्वेल्व जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एस आई सी आई टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए अगेन सेम थिंग सबसे पहले आपको ट्राई करना है नंबर सीरीज जो भी पूछी गई है एग्ज़ाम में इजी लेवल की है या तो डिफरेंट डबल डिफरेंस सिंगल डिफरेंस की है या फिर स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन से बेस्ड है आप उनकी प्रैक्टिस करिए सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिक्स को सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंप्लीफ़िकेशन के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स में से उन्हीं को अटैम्प्ट करना है जो रीड करने में छोटी है कम टाइम लगे क्योंकि कहा बताया जा रहा है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कैलकुलेटिव आ रही है एंड डी में से कोई एक ऐसे डी आई अटैम्प्ट करनी है जिसमें कम डेटा हो कम टाइम में आप उसे ईजिली कर सकें अब आते हैं आज के गुड अटैम्प्ट्स में कि किस तरह के गुड अटैम्प्ट किए गए फ्रेंड्स अगेन सबसे पहले आपको नंबर सीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है सिम्प्लीफिकेशन करना है डीआई के अंदर सिंपल से डीआई आई करनी है और फिर इस तरह से प्रोसीड करना है आपको अपने माइंड में अभी ही स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि पैटर्न को जो पेपर है वो कैसा करना है सेकेंड मोस्ट थिंग कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना है पेपर का पैटर्न इतना बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है सो कॉन्फिडेंट बनाते हुए पेपर करना है अब आज के गुड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो गुड अटैम्प्ट क्वांट के अंदर ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फोर्थ गुड अटैम्प्ट किए गए हैं इंग्लिश के अंदर फोर्टीन से सेवनटीन ज़्यादा गैस नहीं करने हैं जिस जिसपे कन्फर्म हो श्योरिटी हो वही करना है रीजनिंग रीजनिंग के अंदर ट्वेंटी फ़ोर से ट्वेंटी एट तक गुड अटैम्प्ट आए हैं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 53 से लेकर 58 तक अटैम्प बच्चों ने गुड अटैम्प्स में किए हैं आपको इसी तरह प्रोसीड करना है कॉन्फिडेंट रेट हुए क्वेश्चन को करना है सेकेंड प्रैक्टिस करनी है जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं नेट पर नेट पे उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हालांकि फिक्स नहीं है क्योंकि आज जो तीन शिफ्ट हुई हैं उनमें कुछ लिटिल बिट चेंजेस हुए हैं क्वेश्चंस के पैटर्न्स में लेकिन व्हाट वी कैन डू वी कैन डू ओनली प्रैक्टिस दैट्स वाई आपको प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न और रिव्यू एंड थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम थैंक यू फ्रेंड्स